बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो करते हैं अपने आज के ब्लॉग का आगाज़। दोपहर का टाइम है, तकरीबन 1 बजने वाला है और मैं और भाई उस्मान और अब्बू जी गए थे बाज़ार। भाई उस्मान को रस पिलानी थी, साथ में इसको दम करवाना था, तो कह रहे थे कि मेरे साथ चलो ना। तो फिर हम लोग गए, मैंने तो कहा था अकेले चले जाओ। तो जब हम लोग बाज़ार गए तब वहाँ पे इंटरनेट तो नहीं है, वैसे कॉल पे आवाज़ की ना छोटे मोबाइल पे कॉल आई थी कि भाई रसूलुल्लाह लोग आ रहे हैं, शायद मुझे कॉल करते रहे, लेकिन नेट नहीं है। जो मसले मसाइल मतलब के हालात हैं, मसले मसाइल बने हुए हैं ना, उसकी वजह से नेट नहीं है। 3 दिन हो चुके हैं नेट नहीं है, तो हमारी फिर भी यहाँ पर वाईफाई जो है ना वो ऑन है। तो घर वापस आई हूँ तो भाई रसूलुल्लाह लोग यहाँ से पानी खानी पी के चले गए हैं। भाई उस्मान घर पे नहीं थे, तो फिर अम्मी जी अब रोटी बना रही है, साथ में अम्मी की हेल्प करती हूँ, साथ में अपने बहन भाई के साथ भी शेयर करती हूँ। तो अम्मी कह रही थी कि फिर वो बजी मेरा के घर गए हैं, बजी मेरा की तबीयत भी ठीक नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं लगा मेरा कल भी, वरना मैं चली जाती ना, मैंने पता नहीं जाना था बजी मेरा का भी। तो आज अगर सेकेंड टाइम जो है ना अगर टाइम हुआ तो फिर जाऊंगी। तो अम्मी की अब हेल्प करती हूँ, बाकी सारी गपशप बाद में। फिलहाल मैं अम्मी जी की हेल्प करती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। अब वो कह रहे थे कि कूलर के सामने आके बैठ जाओ, भाई सामान भी बोल रहे थे। मैंने कहा अम्मी के अंदर कोई सा जान नहीं है, तो मैं करती हूँ अम्मी जी की हेल्प, जो चीज़ चाहिए होगी। मैंने तो कहा मैं चावल जो है ना मैं बनाती हूँ, तो अम्मी कहती है नहीं चावल मैं खुद ही बनाऊँगी। तो देखती हूँ फिर के क्या कर रही हैं। हम तो अभी भाई उस्मान को लेके ना बाज़ार से आए हैं, क्योंकि सारे रास्ते मैंने दुपट्टा अपना गीला कर करके ना तो भाई उस्मान के सर पे दिया है। तो जहाँ से हमने तरबूज लिए थे ना, वहाँ पे मैंने अपना दुपट्टा जो है ना वो गीला किया था, चादर गीली की थी। तो गर्मी आज इंतहा की गर्मी है, तो गपशप सारी बाद में, मेहमान आ जाएंगे तो खाना बना लें। यहाँ पे लेके हैं भाई उस्मान को रस पिलवाने के लिए। मैंने नहीं पीनी क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। हाँ की गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हल्के हल्के बादल हैं, अल्लाह करे बारिश आ जाए, लेकिन लग नहीं रहा कि बारिश आएगी। हवा हल्की फुल्की चल रही है, लेकिन हवा भी बहुत गर्म है। अम्मी क्या खा लिया? बिरयानी। अच्छा, चलिए चावल अम्मी जी बनाने लगी हैं। तो इधर हो जाओ ना, मैं चमचा हिलाने का, तुम इधर हो जाओ सर। चलो थोड़ी खैर तो मेरी तू लेती चावे तो नहीं। हाँ जी, अच्छा अच्छा देनी। अबू जी कह रहे हैं कि भाई सामान को ना लस्सी दो, लस्सी मैंने बना के दी है। तो मैं भाई सामान को लस्सी देने लग गई थी ठंडी करके, तो अम्मी जी ने मसाले मसूले जो है ना वो ऐड कर दी हैं। मैं ना अबू आंदा ने इन्हें ना दोपहर दी पहला गोली दे के जी, मैं खाना खान तो पहला खानी है तो फिर इन्हें रोटी दे। मैं क्या अच्छा गर्मी है मैं गिलास धो के रख लिया, बाकी मैं दया रोटी पहला दवाई दया। फिर मौसम तो खराब हो रहा, अल्लाह करे बारिश आ जाए बस। चावल में पानी बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी गर्मी मिलती है। हाँ जी, फिर मैं पता चला तो मैं वो बाकी जो तुम सौदे आख्या ना, मैं आख्या बाद चलावा कल आके, तो मैं चलिए कार अम्मी कर ली ते मैं जाने को समान से मैं दम करवाने चल रहे मेरे नाल।
सारे इतो कटिंग होंगी है भाई पौद्या की बूटिया की। देखिए जी मजदूर भाई लगे हुए हैं। मैं प्याज कट दिनी हूं। खीरे में कटे हैं तुम्हारे जो कटे हैं ना। अच्छा फिर मैं कट लेनी हूं। चावल बॉयल आ चुका था, पानी का बॉयल आ चुका था, चावल डाल दिया। तो मैं ना फटाफट से ना रायता बना लेती हूँ। सारे टम्मी जी ने खीरा वगैरह कट करके रखा हुआ, प्याज काट कर लेती हूँ, तो साथ में ना चटनी बना लेती हूँ दही की। चलो मैं तुम बना लो तो मैं चटनी बना ला। चावलों का पानी खुश्क हो रहा है और यहाँ पे मैंने दही ले आई हूँ और चटनी मैंने मिर्चों की हरी बना दी है। नहीं तो छावे डोर चलो मैं नहीं नहीं मैं ना तुम मेरे पास बैठे हो, प्याज ले आते हो। अच्छा मैं ले आऊँ यहाँ पे। अच्छा जी साइलेंट भी बना के रख दिया और रायता भी वो भी तैयार हो चुका है। और अब भी बस अब भी कह रहे थे जा रहे थे तो फिर पानी पी के चले गए थे। मैंने कहा था मैं रोटी बना लेती हूँ उन्होंने फिर आके तो खाना खा के जाना। बस सही है कोई नहीं नहीं संगना छोरा ना रखी मां अब फिर मजबूरी तो चरण खाना तो आई है ना। मैं ये समझ में दवाई है दलगा साबूदाने की खीरो तू नहीं खाता मैं नहीं तो खा ले चीनी पा के। अच्छा चल शाम नु जब टाइम है फिर तेरे वास्ते अमां लस्सी दे सू पतली जी करके कटी ना हो गए। नहीं मैं लस्सी बिल्कुल पतली करके रखी ठंडा अमां लस्सी ठंडी ही दियो इनू। चल राज की खा ला मेरा वीर तो फिर मैं तेनू अद्धा घंटा खलो के मेडिसिन देनी हाँ तो उस तो बाद अमा तो इन चो ला लो अमा अबू नू दियो लस्सी। चल कोई नहीं मैं फिर और पतली कर ला दी लस्सी तो की मैं और कर ला दी राज के पी ते बार बहुत गर्मी है बहुत ज्यादा गर्मी है बार तो बहुत हाल ही कोई नहीं चल जो कुछ चलो पानी भी कोल पिया लस्सी पे मैं ना पिछले टाइम फिर जाती नाले फिर कहने दी लैके आ पानी खत्म हो गया था वो इस जेड़ा मैं लस्सी च पा लिया आंदा बालियां ना करो स्वाद बदल जाता है। हाँ जी नहीं अबू ने फिल्टर का पानी बॉयल करने की जरूरत नहीं है साफ सुथरा पानी हो नहीं अब भावे नैसले का हो भावे फिल्टर का हो उन्होंने जरूरत ही नहीं है। बाकी जो घर का नलके टूटी का पानी है ना उन्होंने बॉयल करो वो जरासीम आ दे और कल बॉयल किया ना पानी बिल्कुल साफ पानी सी। हाँ जी मैं क्या चलो जमा देना पिछले टाइम हूँ तो गर्मी बहुत ज्यादा नाले बाजे नहीं आते हैं तो रोटी पानी देना तो शाम को जमा दी फिर तेरे वास्ते पानी लैके आवा दी फिर नाल कैनी भी लै जा दी दो तीन दूसरिया बोतलों भी लै जा दी निका फिर रोजाना फिर चल अच्छा पी तू रोटी तुम भी रोटी लिया दे कि भाई और आ जाते फिर चलो सही है ठीक है फिर किसी जी मैंने अगे बिठाया तो इन्नी गर्मी तो लूस जाना है मेरा चुन मुंडा तो गर्म हवा ना वो भी तो बैठे छड़ पड़ जाना है क्यों भाई तो गा के इतना ज्यान खुश है ना मुझे देख के तो बस ना मैं बनाती हूँ लगाती हूँ रोटी चावलों को दम से निकाल दिया था। अभी ना मैं सुबह अम्मी को कह रही थी ना अम्मी मुझे थोड़े से ना चावल मैंने खाने मुझे बना दें। हालांकि उस दिन जब भाई प्याज आए थे तब बनाए थे जिस दिन मुझे बास उससे पहले छोड़ने आए थे तब भी बनाए थे पता नहीं क्यों मैं कहती बस ना रोज़ाना थोड़े 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 थे ताज़े बने हो चावल नमकीन अम्मा पता नहीं क्यों मेरे दिल में कहते हों ताज़े थोड़े जो खा लो हों ताज़े नहीं नहीं वो तो कोई टेंशन है मैंने पता है मेरी अम्मी ने बना दो मैं आपे मैंने बनाने जो नहीं देना मैं फिर की करा। हाँ होने पैदा सी आके बह जाते अम्मी लै आते मैं अम्मी से वाला जान नहीं अब आने नहीं नहीं अम्मी तेरी लै आती मैं हद हो गई थोड़ी वाली।
अम्मी नहीं तो थोड़े वे मैं काय वास्ते फिर काफी बहन भाई आने तो हां अपनी अम्मी दी हेल्प नहीं करदी मैं पुत्री फाड़ ले मैं फाड़ लेनी मैं फाड़ लेनी ओ चम्मच चम्मच ओके चल आ जा मैं नहीं कोई नहीं बाजी कोई टेंशन नहीं चावल खाने चावल खाने मामी ज्ञान को नहीं मैं देने चावल हाँ जी ज्ञान ने रोटी खानी है खलो जा गरम है ओ अपनी मामा पास चले जाओ ज्ञान मामा पास चले जाओ बहुत जल्द खाना तैयार कर लिया नहीं जो मैं आई फिर मैं जो मैं आई मैं लहसुन प्याज बनाया ज्ञान ने क्या खाना है ओए ज्ञान ए वाला नहीं बाजी ए मेरे शादी तो पहला लिया सी हां जी आमीन मेनू तो दोवे प्यो पोती नहीं करन देंदे दसो की करा नहीं अबू जी फिर बाजी फिर पैर भरा दे तू आएंगे तो तू सारा अम्मी को वर्क करवा दे तू आप ही नहीं कर दी ਨਾ ਸਰਬਤੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਲੇਟ ਜੇ ਕਰਦੀ ਹੋਰ ਤਾਂ